तुम्हें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। मैं कोई लंदन से बैठकर तुम्हें सड़क पर निकलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम जब निकलोगे तुम्हारे आगे अपने सीने को रखूंगा। अगर कोई गोली चलेगी तो पहले मुस्तफा कमाल के सीने पे चलेगी, बाद में तुम्हारे ऊपर आएगी। चीजें लेकर कश्मीर तक हमें सबकी बात करनी है। हमने इस हुकूमत की जद्दोजहद में हमें कोई सिंधी और मुहाजरों का आपस में ना लड़ा पाए। अगर हमारी खुदा ना खास्ता हमारे दरमियान को इस तरह का मसला हो गया, हमारे हुकूमत पीछे रह जाएंगे। आज हमारे जिस्मों में जान दी है, हम दोबारा वही कराची कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ये कोरंगी वाले साथ हैं, ये कोरंगी वाले साथ हैं, सब साथ हैं, सब लोग पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफा कमाल ने कहा है कि कराची लावारिस नहीं, कराची का बच्चा बच्चा शहर का वारिस है। अगर कराची को इसका जायज हक नहीं दिया गया तो हम अवाम के साथ सड़कों पर होंगे। अहलिया ने कोरंगी की अवाम से खिताब करते हुए मुस्तफा कमाल ने कहा कि अगर हालात अब भी ना बदले तो अवाम में मायूसी हुकूमत से नहीं इदारों से होगी। वजीर आजम कराची से मुखलिस हैं तो इस शहर की गिनती सही कराएं। सही आबादी के लिहाज से अगर नशिस्तें दी जाएं तो वजीर आला शहरी सिंध से मुंतखब होगा। अहलिया ने कराची को 18वीं तरमीम में मिलने वाले इख्तियारात और PFC अवार्ड चाहिए। कोरंगी से शुरू होने वाला सिलसिला पूरे कराची में फैलेगा, हर इलाके में जाएंगे। अवाम हमेशा के लिए इन बद किरदारों से छुटकारा हासिल करे। अवाम को कराची की तरक्की के लिए पाक सरजमीन पार्टी की जद्दोजहद में अपना हिस्सा डालना होगा। पाक सरजमीन पार्टी अवाम की आवाज़ है।